गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने देखा होगा कि जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो फूल जाती हैं, या किसी जानवर को या इंसान को पानी में डूब के जब मर जाता है तो उसकी बॉडी भी फूल जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि पानी उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन हाई होती है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसी फिनोमेना को कहा जाता है ऑस्मोसिस, साइंस की भाषा में। इस प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और दूसरा पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ट्वेल्थ के हिसाब से तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑस्मोसिस नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऐसा किसके थ्रू होता है? ऐसा कुछ ना कुछ तो होता होगा उनकी बॉडी में जिसके द्वारा पानी उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो जिस मेम्ब्रेन की हेल्प से वो पानी उनकी बॉडी के अंदर जाता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और शॉर्ट में उसको कहा जाता है SPM। समझ में आ रही मेरी बात? जिसके द्वारा पानी अंदर जाता है, ये जो आपकी SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। तो हमारे पास तो दो ही पार्टिकल हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, जिसमें एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि सॉल्वेंट के लिए हम लोग बार बार वाटर लेते हैं और सॉल्यूट के लिए शुगर या फिर सॉल्ट लेते हैं। तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, और सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की साइज है, एटम्स की साइज है, पार्टिकल्स की साइज है, वो कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने आर पार गुजरने देती है, जिनकी साइज कंपैरेटिवली सॉल्यूट के छोटी होती है, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? देखो कि जब एक साइड में, यदि हम लोग एक कंटेनर के अंदर एक साइड में प्योर सॉल्वेंट भर दें और दूसरी तरफ सॉल्यूशन भर दें, तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन जो पार्ट है उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए दोनों साइड में सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। और वो किसके द्वारा भागते हैं? SPM के द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ऐसा होता है। देखो, एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग ऑस्मोसिस को समझते हैं। एक कंटेनर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, डिवाइड किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को गुजरने। लेफ्ट साइड में जो प्योर सॉल्वेंट भरा गया है जिसकी कंसंट्रेशन हम C1 मान लेते हैं, और दूसरी तरफ राइट साइड में जो सॉल्यूशन भरा है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल हैं, उसकी कंसंट्रेशन को C2 मान लेते हैं। यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया गया कि C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, इसे ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से होके सॉल्यूशन की तरफ पहुंचने की इस क्रिया को ऑस्मोसिस कहा जाता है। समझ में आई बात? यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का SPM से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना। अब वो क्यों पहुंचते हैं? ताकि कंसंट्रेशन को दोनों तरफ बराबर किया जा सके, क्योंकि एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा और एक तरफ कम है, तो कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए वैसा करते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कंटेनर में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगी। अभी हमने देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स SPM के द्वारा सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। यदि अब हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएं तो क्या होगा? ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्यूशन पे लगाया गया वो प्रेशर जो क्या कर दे? ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एक एक्टिविटी है जिसमें दो बराबर के कंटेनर है, जिसमें एक तरफ सॉल्यूशन भरा है, दूसरी तरफ सॉल्वेंट भरा है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। और वो एक्स्ट्रा प्रेशर दिख रहा है आपको पाई, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को केमिस्ट्री में पाई से डिनोट किया जाता है,
तो जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है सॉल्यूशन की साइड से, तो उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा गया है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट किया जाता है, पाई इक्वल्स टू सीआरटी, सी कंसेंट्रेशन है, जिसे मोलरिटी के टर्म में लिखा जाता है। तो इक्वेशन होती है पाई इक्वल्स टू सीआरटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, और सी कंसेंट्रेशन है, जिसे मोलरिटी के रूप में लिखा जाता है, एन अपॉन वी।